देश में मौसमी बीमारी के अलावा कोरोना के बाद से हर कोई नई बीमारी के नाम से ही डर जाता है, खासकर संक्रमित करने वाली बीमारियों से। ऐसी एक बीमारी सामने आई है जिसका नाम है H3N2 इन्फ्लुएंजा। ये इन्फ्लुएंजा ए वायरस का H3N2 वेरिएंट है। ये क्या है, इसके लक्षण क्या है, इससे बचने के क्या उपाय हैं, सब जानेंगे विस्तार से। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं आखिर बीमारी है क्या। H3N2 वायरस का बढ़ता प्रकोप सर्दी खांसी को न ले हल्के में, तेज बुखार और थकान होने पर तुरंत डॉक्टर से मिले। एंटीबायोटिक बिल्कुल ना लें। मौसम में दर्ज हो रही तब्दीली के बीच सर्दी खांसी बेहद आम है, लेकिन जिस तरह से H3N2 वायरस फैल रहा है उसे देखते हुए सतर्क रहने की जरूरत है। अगर जल्दी ठीक नहीं हो तो फौरन डॉक्टर की सलाह लें। बदलते मौसम में अगर आप सर्दी खांसी से परेशान हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। इसे आम मौसमी बीमारी समझने की भूल कतई न करें, क्योंकि इन दिनों H3N2 वायरस तेजी से फैल रहा है। इसके फैलने की गति कोरोना वायरस से कम नहीं है, साथ ही इसके लक्षण भी कोरोना जैसे हैं। हम लोगों को अमूमन सर्दी खांसी होती रहती है, जिसे हम लोग मानते हैं कि मौसम बदलने की वजह से हो रहा है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन जब से कोरोना आया तब से लोगों को सर्दी जुकाम होते ही कोरोना बीमारी का डर सताने लगता है। जहन में लोगों को कोरोना काल याद आने लगता है। कोरोना वायरस की तरह H3N2 बीमारी के भी लक्षण हैं। H3N2 वायरस से कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। ये सांस रिलेटेड वायरल इन्फेक्शन है और इसका संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसके सिम्टम्स कोरोना जैसे ही हैं और इसके कारण हुई मौत को देखते हुए इसके प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। क्या है H3N2 के लक्षण? इस समय H3N2 या इन्फ्लुएंजा वायरस फैला हुआ है। इसके जो लक्षण है उसमें तेज ठंड, बुखार आना, सर में दर्द होना, बदन दर्द होना, मसल एक होना, रनिंग नोज है या जिसको स्नीजिंग बोलते हैं, या नाक बहना या कफ है, ये सिम्टम्स कॉमन है। इसके अलावा कुछ लोगों में नौजिया या उल्टी या जी मिचलाना जिसको बोलते हैं, या कभी कभी डायरिया जैसे सिम्टम भी आ सकते हैं। अगर इन्फ्लुएंजा वायरस एक कॉम्प्लिकेट हो जाता है, सीरियस इलनेस करता है, तो चेस्ट पेन है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, सैचुरेशन कम हो जाना है, तो इस तरह के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। H3N2 वायरस एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसे इन्फ्लुएंजा ए वायरस कहा जाता है। ये एक सांस रिलेटेड वायरल इन्फेक्शन है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है H3N2, जिसकी खोज 1968 में हुई थी। रोग नियंत्रण केंद्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार H3N2 इन्फ्लुएंजा पक्षियों और दूसरे जानवरों से म्यूटेट होकर इंसानों में फैलता है। इन्फ्लुएंजा से साधारण बीमारियां होती हैं, लेकिन अब इन्फ्लुएंजा का ये संक्रमण कई बीमारियों को न्योता दे रहा है। देखिए, H3N2 वायरस भी सामान्य तरीके से जो इसका लक्षण होता है, एक सामान्य जुकाम जैसा ही होता है, जिसमें खांसी, बुखार, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द और जो है कि गले में खराश, यही सब लक्षण होते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा बहुत तेज़ी से स्प्रेड करता है और ये जो होता है कि इम्प्रूव होने में टाइम ज़्यादा लेता है और इसमें कॉम्प्लिकेशन के भी चांसेस थोड़ा सामान्य जुकाम से काफ़ी ज़्यादा है। इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H3N2 वेरिएंट के कारण आम लोगों में कई तरह की खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। नए वेरिएंट से इन्फेक्शन के कारण देश में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पहली मौत कर्नाटक में 82 वर्षीय एक बुजुर्ग की, जबकि दूसरी हरियाणा में हुई है। देश में अब तक H3N2 वायरस के 90 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार कुछ महीनों में कोरोना के मामले कम हुए हैं, लेकिन H3N2 के मामले बढ़े हैं। नए वायरस के चपेट में आने पर सबसे ज्यादा खतरा लंग्स को होता है। लगातार तेज बुखार और ऑक्सीजन लेवल में गिरावट इसके अहम सिम्टम्स हैं और इसीलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसके संक्रमण से बचाव बेहद जरूरी है। H3N2 आम सर्दी खांसी की तरह है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने
तो इंसानों में सांस लेने में तकलीफ होना, ऑक्सीजन लेवल 93 से कम होना, सीने और पेट में दर्द और दबाव महसूस होना, बहुत ज्यादा उल्टी, मरीज के कंफ्यूज रहने या बुखार खांसी लगातार होना इसके लक्षण हैं। H3N2 एक वायरस का स्ट्रेन है जो कि जुखाम जैसे सिम्टम मतलब कि सांस से संबंधित समस्या पैदा करता है। इसमें मोस्टली जो है कि सांस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिम्टम होते हैं जिसमें खांसी होता है, गले में खराश होता है। खांसी में यूजली बलगम नहीं आता, लेकिन अगर इन्फेक्शन नीचे तक कभी कभार जब चला जाता है तो उसमें बलगम भी आने की संभावना रहती है। बाकी बुखार और बदन दर्द और भूख न लगना ऐसे सिम्टम इसमें होते हैं। कुछ मामलों में मरीज को डायरिया और नाक बहने की शिकायत हो सकती है। इसके भी लक्षण कोरोना जैसे ही हैं और इससे पीड़ित मरीजों की जान भी जा सकती है। ये बीमारी एक बार होने पर लंग्स को काफी डैमेज कर रहा है। H3N2 का इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, जिससे मरीजों को इन्फ्लुएंजा के जैसे ही खांसी, नाक बहना, बदन में दर्द, उल्टी या दस्त के साथ तेज फीवर हो सकता है। कुछ मरीजों में 103 डिग्री से भी तेज बुखार हो जाता है। ये लक्षण आमतौर पर लगभग 3 से 4 दिनों तक रह सकते हैं। कुछ लोगों में ये और भी लंबे समय तक बना रह सकता है। कि ये वायरस तो चूंकि हमारे बीच में हमेशा ही इस मौसम के परिवर्तन के साथ रहते हैं, लेकिन चूंकि अभी बच्चे चूंकि लॉकडाउन में मतलब कि घर में रहे थे और आप एकदम से सबको लॉकडाउन से बच्चे निकले हैं, उसकी वजह से आउटर एटमॉस्फेयर मतलब कि बाहर के वातावरण से बच्चे सामंजस्य से अपनी बेहतर ढंग से नहीं बैठा पा रहे। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही H3N2 इन्फ्लुएंजा फैमिली का मेंबर है, लेकिन इससे इन्फेक्टेड लोगों में खतरनाक रोग के मामले अधिक देखे जा रहे हैं। H3N2 से सभी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। दतिया में इन्फ्लुएंजा वायरस का खतरा बढ़ रहा है। ये वायरस कोविड से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। सर्दी, खांसी, जुकाम आसानी से जाता नहीं, सांस लेने में दिक्कत, किसी भी तरह का स्वाद का पता न चलना, यानी सभी लक्षण कोविड की तरह हैं। वहीं गंभीर मरीजों को भर्ती करने की जरूरत भी पड़ रही है। मैं पिछले कुछ महीनों से लगभग दिसंबर से जब से सर्दी और मौसम में परिवर्तन आया है उसके साथ में बच्चों में कई तरह की सर्दी, खांसी और जुकाम और यहाँ तक की मतलब की हाथ पैरों में दर्द की शिकायतें बढ़ रही हैं। तो फिर और देखते देखते मतलब कि चूँकि मैं ओपीडी में ही बच्चों को देखता हूँ, तो पहले ओपीडी में काफ़ी संख्या में बच्चे मेरे द्वारा देखे गए। लगभग जो ओपीडी मतलब कि इस मौसम में 70 से 80 बच्चे की थी, लगभग दोनों लगभग 150 से 200 बच्चों की ओपीडी प्रतिदिन देखी जा रही थी। इसके साथ में मतलब कि बच्चों कुछ बच्चों गंभीरता की वजह से बच्चों की भर्ती बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही थी। डॉक्टरों के मुताबिक ये वायरस मुँह और नाक से फैल रहा है, इसे H3N2 कहा जा रहा है। लगातार 2 दिन से दतिया के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इस तरह के मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। ये वायरस बच्चों को जल्दी प्रभावित करता है। कोई सर्दी खांसी इस तरह के वायरस से संक्रमित है वो मतलब कि अपने आप को जो वायरस को फैलने से रोकने के लिए सबसे पहला जो कदम होता है वो होता है खुद को अलग समाज से या सोसाइटी से थोड़ा सा अलग थलग करना और आराम करना, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने कोविड प्रोटोकॉल के अंदर कोविड में हमने किया था, इसी तरह से हमने कोविड को हराया था, इसी तरह से हम इस मतलब कि इस वायरस को भी जिसको कि आजकल मतलब H3N2 के नाम से जाना जा रहा है ना, इसको हम कम कर सकते हैं, पहले से रुक सकते हैं। H3N2 की चपेट में हर उम्र के लोग आ रहे हैं, खासकर वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। ये फ्लू कैटेगरी का वायरस है, लेकिन इससे जान जाने का खतरा भी बढ़ गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए इससे बचाव के लिए गाइडलाइंस पर अमल करने की लोगों को सलाह दी जा रही है। कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए खतरा अधिक। लोगों की कमजोर इम्यूनिटी है, खासकर के छोटे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 से 65 साल से ज्यादा है, या ऐसे लोग जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या अस्थमा है, COPD है, इनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, रिनल ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, या स्टेरॉइड थेरेपी में है, लिवर डिजीज है, क्रॉनिक लिवर डिजीज है, या कोई ऐसी डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो रही है, तो ऐसे लोगों के लिए ये जो वायरस है वो खतरनाक हो सकता है। ऐसे लोगों के अंदर ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर सकता है, जिसको निमोनिया या ARDS बोलते हैं, कभी कभी मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकते हैं, कई सारे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। किसी भी वायरल बीमारी में, वायरल इलनेस जो भी है, उसमें एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं होता है। एंटीबायोटिक्स इसलिए देने का कोई मतलब ही नहीं है,
एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरियल बीमारियों के लिए होता है, तो इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल है नहीं, इसलिए एंटीबायोटिक देने के लिए मना किया जाता है। अननेसेसरी पेशेंट को हम पिल बर्डन बढ़ाएंगे, इसलिए देने जो है कि ठीक नहीं है, उल्टा इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। इन्फ्लुएंजा के इस नए वेरिएंट से संक्रमण के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस वायरस से दूसरे इन्फ्लुएंजा के वेरिएंट की तुलना में अधिक खतरनाक रोग होता है। इस बीमारी से पीड़ित मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत पड़ रही है। H3N2 बीमारी को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, उनमें H3N2 वायरस के कारण खतरनाक रोग हो सकते हैं और इससे जान जाने का भी खतरा ज्यादा है। कर्नाटक में जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो 82 साल के थे और उन्हें डायबिटीज पहले से थी। हमें कोविड जो 2 साल हमारे निकले हैं, हम लोग एक्सपोज नहीं थे, बच्चे एक्सपोज नहीं थे इन्फ्लुएंजा से, तो आपकी इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुई। इसकी वजह से जो सडन आउटब्रेक हुआ है H3N2 जो एक वायरस है, ये एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा का वेरिएंट है जिसको हम कहते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट हुआ है। ये एक वायरस है जो इन्फ्लुएंजा का एक सब टाइप है। क्योंकि हम लोग एक्सपोज नहीं हुए थे पिछले 2 सालों से, इसलिए ऑल ऑफ सडन आउटब्रेक हम लोगों को लग रहा है ये। अदरवाइज ये कोई यूजुअल चीज अनयूजुअल चीज नहीं है। अगर हम प्री कोविड की बात करें, हर साल इस तरह से वायरल इन्फेक्शन होते थे, हर साल इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन होते थे। H3N2 की स्पेशली बात करें तो ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाला वायरस नहीं है। परेशान इन द सेंस कि डेथ्स की बात करें, ऑफकोर्स मॉर्बिडिटी है, नंबर ऑफ पेशेंट्स काफी ह्यूज हैं और लंबा टाइम तक इन्फेक्शन चल रहा है। जैसे आज इन्फेक्शन हुआ तो इसके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो 5-7 डेज में नहीं खत्म हो रहे। कई पेशेंट्स को 2 वीक्स लग रहे हैं, कई पेशेंट्स को 3 वीक लगे, बट डेथ्स बहुत ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू एनी अदर वायरस। H3N2 बीमारी को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे लोग जिनकी उम्र अधिक है उन्हें अलर्ट रहने की जरूरत है। H3N2 बीमारी से बचाव के उपाय करते रहना चाहिए। ये वायरस बड़ों के अलावा बच्चों को शिकार बनाता है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों को ICU में भर्ती कराना पड़ रहा है। H3N2 से बचाव के लिए तमाम गाइडलाइन जारी भी की जा रही है। H3N2 से बच्चों को संक्रमित होता देख माता पिता और परिवार के सदस्यों को टेंशन हो रही है। तो जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं 65 साल से ज्यादा, या प्रेग्नेंट लेडीज हैं, या वो लोग जिनको पहले कोई कोमोर्बिड कंडीशन है, चाहे वो डायबिटीज हो, हार्ट डिजीज हो, किडनी या अन्य कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन हो, उनमें ये ज्यादा देर तक रहता है। स्क्रैची थ्रोट जो है वो काफी इस बार मिला है इसमें। इसके लिए एक ये होगा कि आप ल्यूकवॉर्म वाटर से सलाइन के, जिसको हम कहना चाहिए, हल्का गुनगुना पानी के साथ थोड़ा सा नमक डालकर आप उसको गरारे करें, क्योंकि इन्फ्लुएंजा ए और बी में जो कफ है वो परसिस्ट कर सकता है और पोलन एलर्जी में भी कफ परसिस्ट कर सकता है, पर्टिकुलरली जो कोमोर्बिड कंडीशन है, जो प्रायर अस्थमेटिक है, उनमें थोड़ा सा लंबा टाइम ले। H3N2 के खतरे को देखते हुए सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है। छोटे बच्चों को किसी तरह की परेशानी हो रही है तो जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाएं। H3N2 को खतरनाक इसलिए माना जा रहा है कि ये फ्लू कैटेगरी का है, लेकिन संक्रमित करने के बाद ये जानलेवा हो जा रहा है। कोरोना वायरस, इस वायरस में यह है, कोरोना वायरस जो है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व तो करता था, लेकिन वो बहुत ही जल्दी आपके जो है कि फेफड़े और उसको इन्वॉल्व करना और वहाँ पर निमोनिया जैसा सिम्टम डेवलप करना और ज़्यादा जल्दी सीवियर कॉम्प्लिकेशन होते थे उसमें। इसमें भी इसकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह की कंपेरिजन में काफ़ी कम है। फिर भी इसमें जो है कि बहुत रेयर ही सही, लेकिन चांसेज हैं कि यह जो है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व करने के बाद निमोनिया करा सकता है, और उसमें जो है कि कभी कभार अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहा तो सीवियर कंडीशन में जा सकता है और डेथ भी हो सकती है। H3N2 से संक्रमित होने के कुछ मामलों में बुखार 6-7 दिन में भी ठीक नहीं हो पा रहा है। खांसी, नाक से पानी आना, उल्टी, डायरिया जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। राहत की बात यह है कि 95% मामला खतरनाक नहीं हो रहा है। साधारण दवाओं से लोग ठीक हो जा रहे हैं। ये संक्रमण कोरोना की तरह है, इसके नजदीक रहने से इसका खतरा और बढ़ जाता है। सर्दी, खांसी और बुखार वाले लोगों से दूरियां बनाकर रखें और मास्क का इस्तेमाल इसमें राहत पहुंचाने वाला साबित होगा। H3N2 वायरस कैसे फैलता है? H3N2 इन्फ्लुएंजा
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने, छींकने या किसी संक्रमित व्यक्ति से बात करने पर उनसे निकलने वाली खांसी या थूक के बूंदों के जरिए फैलता है। ये तब भी फैल सकता है जब कोई इस बीमारी से संक्रमित किसी शख्स के संपर्क में आने के बाद अपने मुंह या नाक को छूता है तो वो भी संक्रमित हो जाता है। बीमारी से लड़ने के लिए दो चीजें होती हैं, एक तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है, दूसरा ये होता है कि अगर कोई नया बीमारी है तो उसके खिलाफ जल्दी जल्दी एंटीबॉडी हमारे शरीर बना पाए। अगर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर है, कोई भी इन्फेक्शन हमें जल्दी पकड़ लेगा और उसे ठीक होने में भी समय ज़्यादा लगेगा, या कई बार वो बीमारी सीरियस हो जाती है और ठीक भी नहीं हो पाती है। इसलिए कमज़ोर इम्यूनिटी वाले या फिर जिनको बीपी जैसी बीमारियाँ हैं, शुगर जैसी बीमारियाँ जो अनकंट्रोल्ड हैं, उनमें इन सब के इन्फेक्शन का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसके साथ ही प्रेग्नेंट महिलाओं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बड़े और किसी रोग से पीड़ित लोगों को इस वायरस के संक्रमण का खतरा ज्यादा है। H3N2 जो वायरस फैलता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैलता है। मतलब अगर मैं आपके पास पड़ा हूँ, मैं खांस रहा हूँ, छींक रहा हूँ, तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स हैं जो फॉर्माइट्स हैं जो मैं खांसते छींकते समय अपने आसपास के वातावरण में ऐसे स्प्रेड कर देता हूँ। तो एक मीटर की डिस्टेंस पर अगर कोई व्यक्ति उस समय है तो उसको मैं इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता हूँ। इसके अलावा नाक, मुंह, आंख को बार बार उंगलियों से छूने से भी फैल सकता है, बिकॉज जब भी किसी इन्फेक्टेड सरफेस को हमारे हाथ से हम छूएंगे और दोबारा अपने नाक, मुंह, आंखों को छू रहे तो इनके थ्रू वायरस हमारी बॉडी के अंदर जा सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। मौसमी सर्दी बुखार से लोगों को 2-3 दिन में राहत मिल जाती है, लेकिन इसमें बुखार लंबे समय तक परेशान करता है। ये जानलेवा साबित ना हो इसके लिए फौरन डॉक्टर से मिलकर इलाज कराएं। वक्त पर सही गाइडेंस से इससे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। क्या है डॉक्टरों की सलाह? H3N2 बीमारी को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि जिन लोगों की एंटीबॉडी कमजोर है या फिर जो लोग पहले से ही कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें संक्रमण से बचाव करते रहना बहुत जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि H3N2 वायरस से संक्रमित मरीजों से अधिक मामले सीरियस नहीं है, लेकिन जो सीरियस केस हैं वो डराने लगा है। उनमें मरीजों को अधिक परेशानी हो रही है। जिन लोगों का फीवर उतर रहा है, उन्हें खांसी लंबे समय तक रह सकती है। कई मरीजों की खांसी 10 से 12 दिन तक नहीं जा रही है। इसका असर पेशेंट के लंग्स पर पड़ रहा है। कई मरीजों में निमोनिया के लक्षण भी हो रहे हैं। इस मौसम में फीवर की समस्या होना काफी नॉर्मल है। मेडिसिन से इसमें आराम नहीं मिल रहा है या फिर आपके लक्षण खतरनाक होते जा रहे हैं तो जल्द किसी विशेषज्ञ से संपर्क करके इलाज कराएं। H3N2 वायरस से बचाव के लिए हमें बिल्कुल उसी तरह करना जैसे हम कोरोना टाइम में किया करते थे। हमें लोगों से थोड़ा दूरी बना कर रखना होता है, मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइज करना है फ्रिक्वेंटली, और ऐसे लोगों से दूर रहना है जिनको जो है कि जुकाम जैसे सिम्टम हो, वो भी मास्क लगाएं, और उनसे अगर हम मिल रहे हैं थोड़ा दूरी बनाकर मिले और मास्क लगा के ही मिले। अभी फिलहाल जैसे कि मैं आज भी ओपीडी में रहता था, मंडे की ओपीडी, तो मैंने कम से कम मतलब कि 170 पेशेंटों का ट्रीटमेंट लिया, जिसमें से मतलब कि चूंकि अब भर्ती मरीजों की संख्या थोड़ा कम होती जा रही, जो पिछले दिनों में लगभग वार्ड में जो 70-80 पेशेंट भर्ती थे उनकी संख्या अब लगभग 50-60 के बीच में होती जा रही, मतलब कि वायरस थोड़ा सा ठीक होता जा रहा है, लेकिन अभी भी ये वायरस हम लोगों के बीच में काफ़ी संख्या में काफ़ी मात्रा में मौजूद है, तो इसलिए सावधानी अभी बरतते रहें। समय पर इलाज आपको H3N2 वायरस से होने वाली जानलेवा बीमारी से बचा सकती है। सो दोस्तों, आजकल इन्फ्लुएंजा के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हम अपनी ओपीडी में भी देख रहे हैं कि बहुत सारे ज़्यादातर बच्चे और बुज़ुर्ग इस बीमारी से ग्रसित होकर हमारे पास आ रहे हैं। ये आजकल जो इन्फ्लुएंजा का स्ट्रेन प्रेवलेंट है वो है H3N2। आप जानते हैं कि इन्फ्लुएंजा एक वायरल इन्फेक्शन है और इसके कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं और ये हर साल दर साल अपने आप को चेंज करते रहते हैं। जैसे H1N1 आया या अब H3N2 की हम बात कर रहे हैं। लक्षण के बारे में बात करूं तो इसके लक्षण कॉमन कोल्ड से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, जैसे बुखार आना, खांसी होना, जुकाम। लेकिन इस बार जो वायरस प्रेवलेंट है उसमें खास बात यह है कि ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, बुखार कई दिन तक नहीं टूटता है या खांसी उसके बाद भी बहुत बुखार उतरने के बाद भी काफ़ी दिन तक जारी रहती है।
इसलिए इसके बारे में, और ये कॉमन कोल्ड से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, इसमें कुछ केसेस में वायरल निमोनिया या अदर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस भी हो रहे हैं, तो इसलिए इससे बचाव जरूरी है। और इसके बचाव काफ़ी साधारण हैं, जैसे आमतौर पे हम लोग कोविड के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे जो प्रिकॉशंस लेते आए हैं उन्हें हमें दोबारा से सब शुरू करने की ज़रूरत है। आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, फेस मास्क पहने, अच्छी हैंड हाइजीन मेंटेन करें, सैनिटाइजर्स का यूज़ करें, या फिर हर बार आपको जब भी ऐसा लग रहा है कि आप एक्सपोज हो सकते हैं किसी इन्फेक्शन से, तो प्रॉपर हैंड वॉशिंग करें, और हो सके तो क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं, अगर जाना है तो आप मास्क जरूर पहनें। संक्रमण की चपेट में आने पर कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें और ज्यादा देर तक आराम करें। इस दौरान लिक्विड डाइट लेना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसे पचाने में परेशानी नहीं होती है। H3N2 संक्रमित होने पर क्या करें? H3N2 का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब जब आपको इन्फेक्शन हो रहा है उससे पहला सिम्टम आने का, नॉर्मली 2 से 3 दिन का है। और जो पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी है, कम्युनिकेबल पीरियड है, मतलब कब तक एक व्यक्ति दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है, वो सिम्टम आने से 1 दिन पहले और सिम्टम आने के 7 दिन बाद तक वो एक व्यक्ति दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। जब आपको ऐसे सिम्टम आ रहे हैं आप किसी और को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आप आइसोलेट रहें, घर के अंदर रहें, बाहर ना जाएं। अगर बाहर जाना पड़ता तो मास्क लगाएं, बार बार अपने हाथ धोएं और खांसते छींकते समय रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का पालन करें। सिम्टोमेटिक इलाज लें, मतलब अगर पैरासिटामोल लें, अगर आपको बुखार आ रहा है, गार्गल कर सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं, एंटी एलर्जिक ड्रग ले सकते हैं, डॉक्टर की सलाह अनुसार अगर कोई एंटीवायरल ड्रग की जरूरत है वो ले सकते हैं। इसके अलावा घर में बहुत सारे तरल पदार्थों का सेवन करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें। ऑक्सीमीटर से लगातार ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। ऑक्सीजन का लेवल 95% से कम है तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। ऑक्सीजन लेवल 90% से कम है तो सावधान रहें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट ऐसे मामलों में खुद से दवा नहीं लेने की सलाह देते हैं। फीवर, खांसी या सिरदर्द होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें। किसी भी वायरल इन्फेक्शन में हमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक लेने से नुकसान होता है, उससे क्या होता है, जो रेसिस्टेंस है एंटीबायोटिक के लिए वो बढ़ जाता है, और उसके जो अन्य साइड इफेक्ट्स हैं उससे आपकी बॉडी को नुकसान होता है, खतरा होता है। तो कहीं ना कहीं जो एंटीबायोटिक है जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देती है, अगर दोबारा कोई इन्फेक्शन होता है तो वो एंटीबायोटिक काम नहीं करती है। तो एंटीबायोटिक सिर्फ जब इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसी समय लेनी चाहिए। वायरल इन्फेक्शन में नॉर्मली एंटीवायरल ड्रग्स लिए जाते हैं, ये लोग सेल्फ लिमिटेड डिजीज होती है जो अपने आप ठीक हो जाती है। H3N2 वायरस से बचने के लिए घर से बाहर जब भी निकलें मास्क लगाकर निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, H3N2 संक्रमित होने पर आराम करें, जितना हो सके फ्रेश और लिक्विड डाइट लें। इससे सावधानियां हम ये रख सकते हैं, जैसे किसी बच्चे को अगर सर्दी खांसी है या बदन में दर्द है, इस तरह के लक्षण या गले में खराश है, तो सबसे पहले उस बच्चे को स्कूल से या फिर किसी भी तरह के आसपास के बच्चों से मिलना जुलना बंद कर दें। लेकिन देखने में क्या आ रहा है, उल्टा हो रहा है, इस समय मतलब मैं कई बच्चों की माना देता हूँ, इस तरह की सलाह देता हूँ, लेकिन उनका ये कहना होता है कि सर बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों के साथ एग्जाम में जाना जरूरी है, तो मैं उन्हीं माता पिताओं से कई बार कहता हूँ कि इस समय बच्चों के स्वास्थ्य और आपके बच्चे के लिए ही नहीं और अन्य बच्चों के लिए जरूरी है, उस बच्चे का कुछ समय के लिए वातावरण से कट जाना है, रेस्ट करना। देश भर में इन्फ्लुएंजा के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अकेले गाजियाबाद की बात की जाए तो जिला गाजियाबाद के जिला अस्पताल में प्रतिदिन 300 से ज्यादा मरीज इन्फ्लुएंजा के आ रहे हैं। हालांकि इन्फ्लुएंजा की जांच काफी महंगी है और उसको लेकर खासा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो घर में एक कमाने वाला है। तकरीबन 5,000 का जो लैब टेस्ट बताया जा रहा है इन्फ्लुएंजा का, और वैसे में इन्फ्लुएंजा से अगर आप बचाव चाहते हैं तो आप कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करें। गाजियाबाद से राम के साथ जितेंद्र भाटी, भारत एक्सप्रेस। बीमारी कोई भी खतरनाक होती है, आम दवाओं का इस्तेमाल करने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इसका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। H3N2 वायरस जिस तरह से लोगों को संक्रमित कर रहा है उसे देखते हुए इस मौसम में होने वाली सर्दी खांसी और बुखार होने की सूरत में ज्यादा सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।